अगर हुसैन के सजदों को तुम भूल जाओगे तो मस्जिद के मीनारों से खून टपकेगा। बेटी नमाज में एक अच्छा कलाम, उसके बाद मनकबत भी आपने समाप्त किया है और मुझे भी फरमाइश हुई है कि वो जाकिर नाइक के बारे में जो आपने शेर पढ़ा था उसको फिर पढ़िएगा। तो बताइए जब मैं फिर पढ़ सकता हूँ तो दोबारा आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, बोल के दिखाइए तो बुलंद आवाज से। अब ये बताइए कि जिन्होंने पैसा दिया था वो दोबारा देंगे? अच्छा ठीक है, चलिए देखिए बुरा मत मानिए। ये जो हमारा काम है कि हल खेती को तैयार कर देना, यानी हल जोतवा करके खेत को तैयार कर देना, फसल लगाना इन लोगों का काम है और उस फसल को काटना आप लोगों का काम है। वो बस आप लोग अपने काम को निभाते रहिएगा। मैं जो वादा किया हूँ वो वादा निभा करके रहूंगा। वो शेर सुनिए कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, साल भर में छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम हुसैन की महफिल में लुटा देते हैं। जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, उतना हम हुसैन की महफिल में लुटा देते हैं, उतना हम हुसैन की महफिल में लुटा देते हैं, उतना हम हुसैन की महफिल में लुटा देते हैं। हाँ साहब, आप लोग खाली देख रहे हैं, खाली यवा को कम मत समझिए, कभी कभी बहुत बड़ा काम आ जाता है। ट्रेन का सफर आप लोगों ने किया है, इंटरनेशनल भिखारी चढ़ता है सब, एक दो रुपया दीजिएगा टसकबे नहीं करेगा। मेरे साथ भी हादसा हुआ था, ट्रेन के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया, पास आके कहा कि भूखे पे कर्म कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। क्या करे, हम उस वक्त खाली जेब थे, मैं उसे इनकार कर दिया। इनकार सुन के वो भिखारी इस तरह झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया, पास आके बोला कि ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से कहा कि 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। क्या करे, हम खाली देव थे, मैं उसे इनकार ही करता रहा। दंग आके वो भिखारी जोर से कहने लगा, यार 2 रुपया भी नहीं अगर आपके हाथ में तो आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये कभी कभी हादसा हो जाता है। बहरहाल आप लोग बेदार है, आप लोग बता, एक हुसैन की बारगाह में शेर पढ़ना चाहता हूँ, पढूं? बोलिए तो या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, देखिए आज कितने लोग कहा करते हैं कि मैदाने करबला में जंग हुई, लोग कहा करते हैं कि जंग हुई थी। नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जंग नहीं होती, जुल्म हुआ। मैदाने करबला में जंग नहीं होती, जुल्म हुआ था। ये एक वाकया भी है, एक मोजजा भी है, जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये एक वाकया भी है, एक मोजजा भी है, जिक्रे हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। और होकर रहेगा जन्नतों दोजख का फैसला, होकर रहेगा जन्नतों दोजख का फैसला, करबला में हूर भी है और हुरमला भी। जन्नतों दोजख का फैसला, करबला में हूर भी है और हुरमला भी है। और ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। बिला तआखिर अब आपके दयार में, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, आपकी मोहब्बत भरी जमी पर, आपके मोहब्बत भरे दयार पर, और यहाँ की पाकीजा खुशबू को अपने दिल में बसाकर, आने वाला एक जो नेपाल की सरजमी से चलकर आपकी मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर के आया है, वो सनातन मुस्तफा जनाबे बिस्मिल नेपाली साहब है। मैं ये चाह रहा हूँ उनको आपके हवाले करूँ, बेहतरीन आवाज और बढ़िया पढ़ते हैं, और इस तरह पढ़ते हैं कि लोग इतने बेकरार हो जाते हैं। एक जगह मैंने देखा था कि इतना छूट मिल रहा था कि एक आदमी मैके में लेके गिर गया,
समझ गए, ऐसे पूरा हल्ला हंगामा हो रहा था, लेकिन यहाँ भी उसी तरह माहौल दिख रहा है, लेकिन माइक लेकर के मत भागिएगा, नहीं तो कल ऑपरेटर भाई रोएगा भाई, समझ लीजिए। और बेहतरीन नारा एक लगाइए और बिस्मिल नेपाली को सुनने के लिए तैयार हो जाइए, जरा सब लोग हाथ उठा ले और इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या देश ओदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर, सब रो रहे थे मुस्तफा के पेट पे पत्थर देखकर, पत्थर ही बहुत खुश था अपना मुकद्दर देख।